दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों आज आपको बताएंगे पीएफ एफ संबंधित एक और बड़ी जानकारी दोस्तों अगर आपका भी एक यूएएन नंबर है एक आपका पीएफ नंबर है और दोस्तों वह खो गया है या आप उसको भूल गए हो तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप अपना यूएनए नंबर जो आपका एक्टिवेट है नंबर तो उसको जो आपका यूएनए नंबर होता है उससे ही आप अपना पी का पैसा निकाल पाते हो पी से संबंधित जो भी आपको लाभ लेना है वह आप तभी ले पाओगे जब आपके पास आपका यू नंबर है लेकिन कंपनी ने तो हमको दिया था हम भूल गए हैं या कंपनी हमको देकर एक बार हमने लिया था किसी से पी

पूरा बताते हैं। दोस्तों, आपको क्या है? अपना निकाल लेते हो पी का पैसा भी आप निकाल लेते हो लेकिन क्या होता है कुछ सिचुएशन में आपका जो यूएनए नंबर है वो खो जाते हो ठीक है खो जाने के बाद या फिर आप भूल जाते हो यूएन नंबर या फिर आपको कंपनी ने एक बार दिया था और आपके पास अब वह है नहीं ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में यूएनएच नंबर जब आपका खो जाता है तो यू नंबर से ही आप क्या है लॉग हो पाते हो यूएनए नंबर ही आपका एक पी नंबर में आता है और इसी से ही आप अपना पीएफ अप का पैसा सभी निकाल पाते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो ये यूएन नंबर होता है ये बारह डिजिट का होता है ठीक है ये बारह डिजिट का यूएन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना पीएफ अप का पैसा नहीं निकाल पाते हो तो अगर खो जाता है भूल गए हो तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना यू नंबर को कैसे प्राप्त करोगे उसको पता करने का एक सरल तरीका मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से आना है ठीक है यहाँ पर आपको जब इस फोल्डर पर आप आ जाते हो तो यहाँ पर ही आपको अपना यू एन ए नंबर को निकालने का तरीका होता है ठीक है अब आपको यहाँ पर कैसे आना है उसके लिए मैं आपको दोबारा बेक लेके चलता हूँ गूगल पर आपको ई पी एफ ओ टाइप करके आ जाना है ठीक है गूगल पर जब ई पी एफ ओ टाइप करोगे आप ई पी एफ ओ टाइप करने के बाद यहाँ पर दिखेगा आपको यू ए एन इस यू एन पर आपको क्लिक कर देना क्लिक जब आप करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है यहाँ से इसको से हटा देना है यहाँ पर यू एन ए नंबर हेलने के लिए आपको नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से करना है ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओगे जब इसको तो यहाँ पर लिख रहा है ना नाव आर यू एन ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना तो चलिए मैं फटाफट इस पर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करते के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मांगता है उनको आपको पूरा करना है यहाँ पर लिख रहा है नाव यू आर यू पता करने का जो तरीका है यू को ये यही है ठीक है इसके लिए अब आप, आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस जैसे आपको भरनी होती है डिटेल देखो यहाँ पर बोला जा रहा है ना मोबाइल नंबर अब मोबाइल नंबर आपको वह डालना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है ठीक है यहाँ पर यह कैप्चा आपको नजर आता है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डालना है और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है तो चलिए फटाफट हम हमारा आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर उसको डालकर कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट ओ पर क्लिक करते हैं ठीक है थीके? तो जिस मोबाइल पर आपने ओ टीपी भेजा है वह मोबाइल आपको यहाँ पर नजर आएगा और यहां पर बोला गया ओटीपी सक्सेसफुली आपको भेज दिया गया है पर आप देख सकते हो ठीक है अब ओके okay, पर आपको क्लिक कर देना है ओके okay, पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको फिर वह ओटीपी डालने का एक ऑप्शन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहां से आपको जो अभी ओटीपी आया ना वह आपको यहाँ पर डालना है और ये जो आपको कैप्चर नजर आ रहा है इसको आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको वैलिडेट ओ दिख रहा है ना इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए फटाफट ओ डालकर कैप्चा डालकर और वैलिडेट ओ पर क्लिक करते हैं तो आप यहां देख सकते हो मैंने ओ टी पी यहाँ पर डाल दिया है अब यहां से हम यहां पर ये कैप्चा यहां डाल चुके हैं अब वैलिड ओ टीपे पर मैं यहां से क्लिक करता हूं ठीक है दोस्तों अगर आपको ओ टी पी को टाइम हो जाता है या आपका आ नहीं पाता है तो आप दोबारा यहां पर रिक्वेस्ट ओ टी पी पर क्लिक करके दोबारा अपना ओ टी पी मंगा सकते हो ठीक है तो चलिए फटाफट मैं ये वैलिड ओटीपे पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर दोस्तों एक ओके का स्थान आ गया है और यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो ओटीपी डाला है वह सक्सेसफुली वैलिडेट है ठीक है तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर डिटेल डलनी होती है ओके पर पहले क्लिक कर देते हैं अब दोस्तों अगर आपका यू नंबर एक्टिवेट है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जी यहाँ दिखेगा नेम का ऑप्शन ठीक है यहाँ पर नेम आपको डाल देना है नेम वही डालना जो आधार कार्ड के अंदर है डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डाल देनी है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर तीन डिटेल आपको दिखती है आधार पैन और मेंबर आईडी इन तीनों से ही आप अपना यू नंबर को पता कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर लोग जो करते हैं वह आधार से पता करते हैं तो आधार के ऊपर क्लिक करना है अगर आपको जिससे भी आपको करना है ना तो उस पर क्लिक कर देना जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आधार से कर रहा हूँ तो आधार का क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है पेन पर करूँगा तो पेन का ऑप्शन आ गया ठीक है अगर मेंबर आई पर करूँगा तो मेबर आई का ऑप्शन आ जाता है ठीक है तो मैं आधार से पता करना चाहता हूँ तो आधार वाले पर मैं क्लिक करूँगा और ये नेम डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर डालकर आगे बढ़ता हूँ ठीक है मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ जब मैं आधार से इसको पता करूंगा तो यहाँ पर एक कैप्चर डालने का ऑप्शन भी आता है ये वाला इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा और वैलिड सो माई यू पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा यू नंबर जो भी होगा वह स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ जाएगा ठीक है तो चलिए फटाफट डिटेल भरता हूँ तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो नेम है मैंने डाल दिया है आप देख लो ठीक है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कुछ डिटेल आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ यहाँ पर आधार भी डाल चुका हूँ आधार नंबर आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं कैप्चा में यहाँ पर नीचे डाल चुका हूँ मैं थोड़ा स्क्रोल करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों आप यहां देख सकते हो कैप्चन में डाल चुका हूं इस जगह पर अब सो माय यूएनए पर वाले ऑप्शन पर मैं ब्लू पर यहां क्लिक कर देता हूं दोस्तों आप यहां देख सकते हो हमारा यूएनए नंबर शो कर गया है ये देखिए दोस्तों ये हमारा यूएनए नंबर आ चुका है ठीक है तो इस प्रकार से आप भी अपना खोया हुआ है यू नंबर अपना जो है उसको पता कर सकते हो यही एक तरीका है इसको पता करने का अगर कंपनी आपको दोबारा अपना यू नंबर नहीं दे या आपका खो गया है यू आप भूल गए हो और आप अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो तो आपको ऐसे ही पता करना है अपना यू नंबर मैंने जैसे जैसे बताया उसी प्रोसेस को आपको अपनाना है ये आपका शो कर जाएगा अगर किसी प्रकार कोई बीच में एरर आता है तो आपको समझ जाना है कि आपकी कोई ना कोई डिटेल मिसमैच है ठीक है आप यहाँ देख सकते हो इस व्यक्ति का जो है

पीएफ का जो पैसा है आप आराम से विड्रॉल कर पाओगे इससे आप अभी समस्त जो डिटेल होती है पीएफ से संबंधित उनकी सभी जानकारी ले पाओगे और केवाईसी वगैरह कर सकते हो तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना यू ए एन नंबर को पता कर सकते हो तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें आगे शेयर करें और पी से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद